जय जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी मस्त हैं फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अनीता ब्लॉग्स पर। मैं अनीता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, तो आगे वीडियो में बने रहिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक आते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। घर में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है दोस्तों, तो घर का माहौल एकदम मनमोहक हो जाता है, एकदम रौनक रहता है घर में। हमारे घर में भी अभी उसी तरह का माहौल है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब लोग एकदम खुश हैं, अच्छे से पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं ना। बहुत दिन बाद हमारे घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ है। हम लोग नए दुकान डाले थे उस टाइम पे, मतलब कथा पूजा हुआ था, उसके बाद फिर ऐसे ही जैसे व्रत वगैरह रहते हैं उसी का बस होता था, ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ है। और इस बार फिर ये जमारा का कार्यक्रम हो रहा है हमारे, मतलब घर में पहली बार हो रहा है जमारा का कार्यक्रम। और हमारे मतलब पुराने उसमें ना चलता है, पारिवारिक ये चलता है जमारे का कार्यक्रम, जो चाचा ससुर जी हैं उन लोग के यहाँ भी चलता है, दादा ससुर थे उनके में भी चलता था ये जमारे का कार्यक्रम, और हमारे पीढ़ी के बाद ये पहली बार है। और घर का सारा काम हो चुका है दोस्तों, और मैं पूजा उजा करके आ चुकी हूँ, और इधर खाना भी बन गया है। और मिस्टर जी लेकर के आए थे भुट्टा, भुट्टा खाना है करके, क्योंकि मार्केट गए थे सब्जी लाने के लिए ना, तो ताज़ा ताज़ा भुट्टा मिला तो लेकर के आए हैं, तो उसी को ना भूनो, आग में भूनते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है भुट्टे का टेस्ट करके। और ये है शाम का समय का वीडियो है दोस्तों, रात का है 7 बजे का, और आरती का समय हो चुका है। अभी आरती होना है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं आरती का। और ये लगभग 9 बजे रात का वीडियो है दोस्तों, और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। जिनका व्रत है उनके लिए रोटी और दूध है बना हुआ है, और बाकी लोग खाना खा रहे हैं सभी लोग मिल करके। आरती होने के बाद फिर बचा था खाना, उसको बनाए हम लोग, उसके बाद सभी को अभी खाना दे रहे हैं, खाना वाना खा लें, उसके बाद फिर भजन कीर्तन वाले आएंगे ना, तो अभी फिर भजन कीर्तन होगा, क्योंकि रात को आते हैं मंडली वाले, हमारे गांव के हैं मंडली वाले, तो डेली आते हैं रात में खाना वाना खा करके ना, तो 10 बजे तक आ जाते हैं। उसके बाद फिर 1.5-2 बजे रात तक चलता है फिर भजन कीर्तन, जस गीत, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है ना जस गीत, तो जस गीत वगैरह चलता है, भजन कीर्तन। और मैं नंदनी मिल करके हम लोग खाना दे रहे हैं, पावनी पानी वगैरह दे रही है सभी को, और मामी जी है ना रोटी बना रही है। सुबह सुबह बच्चे लोग परेशान करते ना, काम करते करते सुबह टाइम टाइम हो जाता है, तो बच्चे लोग भूख लग रहा करके परेशान करते हैं, तो उनके लिए ना चावल आटे का भात तो जो बच्चा रहता है ना उसमें मिला करके मोटा रोटी बना रहे हैं, अंगाकर रोटी, तो मामी जी बना रही हैं रोटी अभी, जब तक हम लोग खाना पीना दे लें, उसके बाद फिर सब लोग मिल करके बर्तन वर्तन साफ़ कर लेंगे मंडली वाले के आते तक। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारे घर के कार्यक्रम का 4th दिन, 2 दिन का मिला करके वीडियो को बनाई हूँ दोस्तों। एक दिन का बना रही थी ना, तो छोटा सा हो रहा था वीडियो, तो और बार बार वीडियो को एडिटिंग करना पड़ता है, इसलिए ना 2 दिन का मिला करके बनाई हूँ। 3रे और 4थे दिन का वीडियो है ये, और आज 4था दिन है सुबह का, और सुबह सुबह उठ करके पूरा घर के काम पे लग गए हैं सब लोग, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं इधर का झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, और बाकी उधर का नंदनी कर रही है, और मामी जी गई हैं अपने घर पर, क्योंकि वहाँ भी उनका गाय वाय है ना, तो वहाँ भी करना रहता है करके, तो सुबह काम ज़्यादा हो जाता है, सब लोग काम बटे रहते हैं इधर उधर, तो और मैं इधर का कर लेती हूँ काम, झाड़ू वाड़ू लग गया मेरे घर का, और उधर पोछा लगाना बाकी है अभी, और पानी चालू हो गया है तो पानी भी भरना है।
और इधर इशिता कर रही है डांस, क्योंकि अभी ना चल रहा है साउंड पे ना गाना चल रहा है तो डांस कर रही है। ये दिन भर डांस करती रहती है, फिर रात को पैर दर्द हो रहा है करके रोती है फिर। और इधर जब तक मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ दोस्तों, और आंगन को तो कल धोई थी तो आज नहीं धो रही हूँ, पोछा लगा लेती हूँ पूरा अच्छे से गीला गीला ना, तो धोते हैं उसी टाइप का हो जाता है। किचन और रूम वगैरह को पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर आंगन को भी लगा लूँगी, धोऊंगी नहीं आज। और घर का काम पूरा हो चुका है दोस्तों, और नहा वहा करके हम लोग आ गए हैं। इशिता दोनों जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और इशिता तो पहले से जितने लोग पूजा करने के लिए आते हैं ना सबके साथ आती है, और सब हर बार ये ना दिन में मतलब लगभग 5-6 बार 6-7 बार ना पूजा करती है। सब लोग आएंगे सबके साथ आ जाती है, और मैं पहले करूँगी करके पूजा करने लगती है। और ये देखिए दोस्तों, जवारा का फुलवारी कितना बढ़िया निकला हुआ है, चौथे दिन है और छोटा छोटा सा दिखना शुरू हो गया है। और आज के वीडियो यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।